बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में आप C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स देखेंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना और उस लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को बनाना और प्रोग्राम्स को रन करना आपके लिए ईजी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स डिटेल से डिस्कस करूंगी और वीडियो के एंड पर आपके लिए छोटा सा क्विज होगा ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। प्रैक्टिकली C++ के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से पहले आप इसके सिंटैक्स को अच्छे से समझ लें। अगर आपको C++ का सिंटैक्स अच्छे से समझ आ गया तो आपके लिए C++ लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना और इसके प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाएगा। यहाँ मैंने C++ का एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें C++ का सिंटैक्स क्लियरली डिफाइंड है। C++ का प्रोग्राम लिखते वक्त आप सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंट मेन। अब ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या है, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी क्या है, इंट मेन क्या है, सी आउट क्या है और रिटर्न जीरो क्या है, ये सब मैं आपको आगे जाके डिटेल से बताती हूँ। अभी आप देखें कि इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है। इस प्रोग्राम में एक्चुअली मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया स्क्रीन पे। तो अगर आप इस प्रोग्राम को रन करें तो आपके पास आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। तो आप C++ का सिंटैक्स अच्छे से समझ लेते हैं कि C++ में हैश इंक्लूड का क्या मतलब है, आईओ स्ट्रीम का क्या मतलब है, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी का क्या मतलब है, इंट मेन, सी आउट, रिटर्न जीरो, इस सब को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। C++ का प्रोग्राम लिखते वक्त सबसे पहले आप लिखते हैं, नंबर वन लाइन पे आप लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का मतलब क्या है? आईओ स्ट्रीम सबसे पहले देखेंगे आईओ स्ट्रीम का मतलब क्या है। आईओ स्ट्रीम एक्चुअली एक हेडर फाइल लाइब्रेरी है विच स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ पे आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी इस हेडर फाइल लाइब्रेरी में सी आउट और सी इन के ऑब्जेक्ट्स डिफाइन होते हैं। सी आउट यूज होता है आउटपुट के लिए और सी इन यूज होता है इनपुट के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि पीछे मैंने प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए सी आउट ऑब्जेक्ट को यूज किया है क्योंकि सी आउट ऑब्जेक्ट यूज होता है आउटपुट के लिए और सी इन ऑब्जेक्ट यूज होता है इनपुट के लिए। अगर आप अपने प्रोग्राम में सी आउट या सी इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करना चाहते हैं फॉर इनपुट एंड आउटपुट तो आपको अपने प्रोग्राम में आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल लाइब्रेरी को यूज करना होगा। और हैश इंक्लूड का मतलब क्या है? हैश इंक्लूड यूज होता है टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम, यानी अगर आप अपने प्रोग्राम में आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल लाइब्रेरी को यूज करना चाहते हैं तो उसके स्टार्ट में आपको लिखना होगा हैश इंक्लूड। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का मतलब क्या है? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का मतलब ये है कि आईओ स्ट्रीम नेम की हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड कर दो। आईओ स्ट्रीम को आपने एंगुलर ब्रैकेट्स के साथ लिखना है। C++ प्रोग्राम में लाइन नंबर 2 पे आप लिखते हैं यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी का मतलब क्या है? एसटीडी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड। एसटीडी का मतलब है स्टैंडर्ड। एसटीडी एक्चुअली एक नेम स्पेस है whose members are used in the program, जिसके members को हम प्रोग्राम में यूज करते हैं। एसटीडी नेम स्पेस के members हैं सी आउट, सी इन और एंड एल। सी आउट और सी इन का तो आपको पता है, एंड एल का मतलब है एंड ऑफ लाइन। एंड एल आप C++ प्रोग्राम में यूज करते हैं लाइन को एंड करने के लिए। एंड लाइन कैसे यूज होता है ये भी आप नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। This namespace is defined in IO stream header file. Standard namespace defined है IO stream header file में। इसीलिए आप अपने प्रोग्राम में IO stream header file को include करते हैं। Using namespace std का क्या मतलब है? Using namespace std का मतलब ये है कि आप अपने प्रोग्राम में एक namespace use कर रहे हैं जिसका नाम है std। और इस namespace को अपने प्रोग्राम में इसलिए use करते हैं क्योंकि इसके members को आपने प्रोग्राम में use करना है। और ये नेम स्पेस डिफाइंड होती है आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल में, इसीलिए आप आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को भी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। C++ प्रोग्राम में थर्ड नंबर पे जो चीज आती है वो है इंट मेन।
इनके मेन का मतलब क्या है? मेन का मतलब ये है कि यहाँ से आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी लाइन ऑफ कोड्स लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। इंट का क्या मतलब है? इंट एक डेटा टाइप है जो इंटीजर वैल्यूज के लिए यूज होती है। तो इंट मेन का क्या मतलब है? इंट मेन का मतलब है कि मेन फंक्शन नीड्स टू रिटर्न सम इंटीजर वैल्यू एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। इंट मेन का मतलब ये है कि मेन फंक्शन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। We do so by returning 0 at the end of the main function. इसलिए main program लिखने के बाद आप end पे लिखते हैं return 0. Return 0 का क्या मतलब है? Return 0 का मतलब है कि program successfully execute होने के बाद main function integer value return करेगा और integer value क्या है? 0. हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि 0 ही क्यों return कर रहे हैं, आप 1, 2 या कोई और number क्यों नहीं return कर रहे? Main function का जीरो रिटर्न करने का मतलब ये है कि जो आपका प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इसीलिए मेन फंक्शन से पहले आप इंट डेटा टाइप को यूज करते हैं कि जो मेन फंक्शन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इन कर्ली ब्रैकेट्स में आप मेन प्रोग्राम लिखते हैं वो लाइन ऑफ कोड्स लिखते हैं जिन्हें आपने एग्जीक्यूट करना होता है। मेन क्योंकि एक फंक्शन है मेन लिखने के बाद आप ब्रैकेट्स डालेंगे, क्योंकि जब भी फंक्शन नेम लिखते हैं तो फंक्शन नेम लिखने के बाद ब्रैकेट्स डालते हैं। नेक्स्ट है सी आउट हेलो वर्ल्ड। सी आउट आप यूज करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। सी आउट का क्या मतलब है? सी आउट इज एन आउटपुट ऑब्जेक्ट यूज टू प्रिंट द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर के साथ आप यूज करते हैं अपने टेक्स्ट को स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए। जो भी टेक्स्ट आपने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है उसे आप डबल कोट्स में लिखेंगे। इसी तरह एक सीन ऑब्जेक्ट भी है। सीन इज एन इनपुट ऑब्जेक्ट यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। सी आउट आप यूज करते हैं अपने टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, आउटपुट शो करने के लिए, और सी इन आप यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। अगर आप अपने प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज करते हैं सी इन ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो को मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। रिटर्न जीरो एंड द मेन फंक्शन। रिटर्न जीरो लिखने का मतलब ये है कि जो आपका मेन फंक्शन है वो एंड हो चुका है। तो ये है सी प्लस प्लस प्रोग्राम का मेन फंक्शन एंड मेन सी आउट हेलो वर्ल्ड रिटर्न जीरो। मेन फंक्शन को एंड करने के लिए रिटर्न जीरो के बाद आपने क्लोजिंग ब्रैकेट लाजमी डालनी है, वरना मेन फंक्शन एंड नहीं होगा और प्रोग्राम एरर देगा। एक और बात जो सी प्लस प्लस सिंटेक्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि सी प्लस प्लस स्टेटमेंट को हमेशा आप सेमी कॉलन से एंड करेंगे। अगर आप लाइन के एंड पे सेमी कॉलन नहीं डालेंगे तो प्रोग्राम एरर देगा। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और इंट मेन के साथ सेमी कॉलन नहीं आता, लेकिन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के साथ सेमी कॉलन आता है। इसके अलावा मेन फंक्शन में इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी लाइन ऑफ कोड्स लिखेंगे हर लाइन के एंड पे आप सेमी कॉलन लाजमी डालेंगे। तो ये था सी प्लस प्लस प्रोग्राम का सिंटैक्स। अब सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए आप रियल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स को रन करने के लिए रियल स्टूडियो कोड को किस तरह सेटअप करना है, तो लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है कि किस तरह से आपने रियल स्टूडियो कोड में सेटिंग्स करनी है, कुछ एक्सटेंशंस हैं जिनको आपने डाउनलोड करना है सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो पहले आप जाके उस वीडियो को देख लें ताकि आपका रियल स्टूडियो कोड प्रॉपरली सेटअप हो जाए सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। सी प्लस प्लस प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले आप फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल क्रिएट करने के बाद आपने सबसे पहले अपनी फाइल को सेव करना है। फाइल को सेव करने के लिए आप अगेन फाइल पे जाएं और सेव एज के बटन पे क्लिक करें। जहां भी आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे फाइल का नेम टाइप करें जिस नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। फाइल का नेम टाइप करने के बाद आपने अपनी फाइल को .c/
प्लस प्लस के एक्सटेंशन से सेव करना है। अगर आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो आपने अपनी फाइल को डॉट सी प्लस प्लस के एक्सटेंशन से सेव करना है। लेकिन अगर आप सी लैंग्वेज का प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो आपने अपनी फाइल को डॉट सी की एक्सटेंशन से सेव करना है। देन सेव पे क्लिक करें। फाइल को सेव करने के बाद आपने प्रोग्राम लिखना है। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएगा स्क्रीन पे। प्रोग्राम लिखने के बाद आपने अपने प्रोग्राम को सेव करना है। प्रोग्राम को सेव करने के लिए अगेन आप फाइल पे जाएंगे और सेव के बटन पे आपने क्लिक करना है। आप फाइल में जाने के बाद भी अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं और कंट्रोल एस के की से भी अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। प्रोग्राम को सेव करने के बाद आपने इस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस शो होंगी, आपने रन पोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रन पोर्ट पे क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड, यानी ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। जब भी आप प्रोग्राम लिखें और प्रोग्राम का आउटपुट आपको शो हो तो इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का क्या मतलब है, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी को क्यों यूज करते हैं, इंट मेन क्या है, सी आउट क्या है और रिटर्न जीरो का क्या मतलब है। अब ये तमाम चीजें आपको समझ आ गई होंगी। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते वक्त हमेशा आपने स्टार्ट में ये दो लाइंस लिखनी है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। देन आपने मेन फंक्शन स्टार्ट करना है। एक और चीज जो आपको C++ के सिंटेक्स के बारे में पता होनी चाहिए वो ये कि अगर मैं C++ का प्रोग्राम लिखते वक्त स्पेस ऐड कर दूं ताकि मेरा प्रोग्राम इजीली रीडेबल हो, तो देखते हैं क्या होता है। स्पेस ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम ज्यादा रीडेबल लग रहा है। तो प्रोग्राम में मैंने चेंजेस की है। चेंजेस करने के बाद आपने डायरेक्ट प्रोग्राम को रन नहीं करना। जब भी आप न्यू प्रोग्राम लिखें या प्रोग्राम में चेंजेस करें, सबसे पहले आपने अपने प्रोग्राम को सेव करना है। फाइल में जाके सेव के बटन पे क्लिक करके सेव करने के बाद आपने प्रोग्राम को रन करना है। तो आप देखते हैं कि स्पेस ऐड करने के बाद कोई एरर तो नहीं शो होता। आप देख सकते हैं कि व्हाइट स्पेसेस ऐड करने से पहले का आउटपुट और व्हाइट स्पेसेस ऐड करने के बाद का आउटपुट। आपको पता होना चाहिए कि C++ इग्नोर्स व्हाइट स्पेसेस। आप जितनी भी स्पेसेस ऐड करें, आप करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए। व्हाइट स्पेसेस ऐड करने से आपके प्रोग्राम एरर नहीं देगा। एक छोटा सा क्विज है आपके लिए जिसमें आपने प्रोग्राम को कंप्लीट करना है टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन स्क्रीन। फीचर से देखे बगैर आपने इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना है और प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपने नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। इससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।